गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको कल एक कविता पढ़ाई थी, लेसन वन हिंदी का सीखो, जिसमें मैंने आपको कहा था दो पैराग्राफ लर्न करने के लिए। और आज मैं आपको उसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। जैसे फर्स्ट शब्दार्थ है, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। नित प्रतिदिन रोजाना, शीश सिर, कोमल मुलायम, दीपक दिया, अंधकार अंधेरा, पृथ्वी धरती जमीन। ओके, नंबर वन, प्रश्न समझकर उत्तर लिखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको उसका आंसर बताऊंगी। फलों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फलों से हमें प्रतिदिन प्रसन्न रहने की शिक्षा मिलती है। ख, फल से लदी डालियां हमें क्या शिक्षा देती हैं? फल से लदी डालियां हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। ओके, नंबर टू, दूध और पानी हमें क्या संदेश देते हैं? दूध और पानी हमें यह संदेश देते हैं कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। क्या संदेश देते हैं? हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। घ, जब दीपक जलता है तो क्या होता है? जब दीपक जलता है तो अंधकार दूर हो जाता है। ओके, नंबर टू, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये कविता है जो आधी लिखी हुई है, जिनको आपको पूरा करना है। क, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। ख, दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। अब हम करेंगे नंबर थ्री, सही कथन के सामने टिक राइट तथा गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए, यानी क्रॉस गलत। क, फूल हमें गाना सिखाते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, नहीं, फूल हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, तो ये हमारे क्या रॉन्ग। ख, हवा के झोंके हमें कोमल कोमल बनना सिखाते हैं। सीख, हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना। राइट, हवा के झोंके हमें कोमल कोमल बहना सिखाते हैं। सही, दूध और पानी यह संदेश देते हैं कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। मेल जोल मतलब मिलकर रहना, ठीक है? सही है, दूध और पानी यह संदेश देते हैं कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। राइट, घ, दीपक यह सीख देता है कि हमें रात को जागते रहना चाहिए। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। दीपक हमें सिखाता है अंधकार को हमें मिटाना कैसे, दूर कैसे करना है, लेकिन तो गलत है। दीपक यह सीख देता है कि हमें रात को जागते रहना चाहिए, नहीं, गलत। निम्नलिखित शब्दों को चार चार बार लिखिए। जैसे लिखा है आपको, ऐसे स्टार्ट मिडिल के थ्री लाइन लिखना है, मिडिल के इस टाइप से। ओके, आपको पूरा करना है। यहाँ से नंबर वन टू थ्री, और ये आपको बुक में फिल करना है। जिनके पास बुक नहीं है तो जल्द जल्द से जल्द बुक लें, और जिनके पास बुक है वो यहाँ तक भरे बुक को। और शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करना है। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर सिर्फ आपको ये दोनों कॉपी में करना है, बाकी बुक में आपको यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक फिलअप करना है। ओके, और जिनका हो जाए वो सेंड करें, बुक का वर्क एंड कॉपी का वर्क।